प्यारे विद्यार्थियों, आप जी का स्वागत है अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, असी आज करन जा रहे हैं जमात 11वीं का विषय लाजमी पंजाबी, जिसकी असी कहानी कर रहे सा नील कमल। आओ अज इस नू अगे पढ़ते हुए इस कहानी नू संपूर्ण करिए। राजा अते वजीर बड़े खुश होए। तुहानू याद होएगा कि उस दासी ने तीन रूप सौदागर की पत्नी ने तीन रूप वटाए सन। तो उसने कहा कि डोला तैयार कर दो, पर राह विच रोकना नहीं, तो असी राणी नू ते तिने दासियां असी बैठ जावांगे, सौदागर की पत्नी ते तिने दासियां असी उहदे विच बैठ जावांगियां। राजा ते वजीर बहुत खुश सन। राजा ते वजीर बड़े खुश होए। वह काली काली डोले नू लै के महलां विच आ गए। जदों उन्होंने डोला खोलिया तो वह हथ मलदे रह गए। डोले विच तां फफे कुटनियां अते ठग सन। राजे नू बड़ा गुस्सा आया, पर वह की कर सकदा सी। अखीर वजीर ने एक होर चाल चली। उसने राजे नू नाल सलाह करके सौदागर नू बुलाया ते कहा, राजा तेथों बहुत खुश है, वह तेनू अपना मंत्री बनाउणा चाहुंदा है। सौदागर बड़ा प्रसन्न होया। तद वजीर ने सौदागर नू कहा, मंत्री बन के तू हुण इत्थे ही रहना है, इसलिए तू अपनी पत्नी नू भी इत्थे ही ले आ। सौदागर उस वेले अपनी पत्नी कोल गया। उसने अपने मंत्री बनाए जाण दी गल दस्सी, नाल ही राजधानी विच जाके रहण दी गल कीती। उसदी पत्नी ने कहा कि इस विच वी राजे दी कोई चाल है, पर सौदागर दे सिर ते मंत्री बनन दा भूत सवार सी। उसने अपनी पत्नी दी इक ना मन्नी ते ओह उस नू लै के राजे दे शहर आ गया। राजे ने सौदागर नू महलां दे नेड़े ही इक हवेली दे दित्ती। सौदागर अते उसदी पत्नी उत्थे रहण लगे। कुछ दिन ही बीते सन कि राजे ने वजीर नू कहा कि वह सौदागर की पत्नी नू मिलन दी कोई विध बनावे। वजीर ने सौदागर नू बुला के कहा कि राजे नू एक चीज़ जिसका ना कुछ है दी सख्त लोड़ है, वह उस चीज़ नू कितों लै के आवे। सौदागर बड़े भरोसे नाल कहन लग्या कि वह छेती ही यह वस्तु भी ले आवेगा, पर असल विच उसनू इस वस्तु की कोई समझ नहीं सी पई। उसने घर आके अपनी पत्नी नाल गल कीती। पत्नी समझ गई कि राजे ने सौदागर नू किते भेजन दी चाल चली है। उसने अपने पति नू कहा कि इस वस्तु दा उसनू पता है, इसलिए वह फिक्र ना करे। उसने अपने पत्नी पति नाल मिल के दो टोए पुटे। एक टोए विच गुड़ दा सीरा भर दिता। जिस तरह तुसी बच्चे कड़ाह खांदे हो उस तरह ही गुड़ दा सीरा बनता है, पर वह पतला पतला हुंदा है, कड़ाह थोड़ा सख्त हुंदा है। ते दूजे टोए विच पंछियां दे खंभ अते रूं भर दित्ते। फिर उसने अपनी पत्नी पति नू कहा, हुण तुसी बाहर सब नू दस देवो कि तुसी किसे होर देश कुछ लैण वास्ते जा रहे हो। दिहाड़ी पर तुसी बाहर जंगल विच रहन लिया करना ते राती आके इत्थे सो जाया करना। पहले दिन राजे नू नौकरा चाकरा तो पता लग गया कि सौदागर किसे दूजे देश लई रवाना हो गया है। राती राजा सौदागर दे घर पहुंचिया ते उसदी पत्नी नू कहन लगा कि वह उसदी सुख सांद पुछन आया है। सौदागर दी पत्नी ने उपरों बड़ी खुशी जाहर कीती। वह राजे नू पानी आदि पिलाउन लगी। इन्हीं नू सौदागर ने दरवाजा खड़काया। सौदागर दी पत्नी ने पुछया कि वापस क्यों आ गया है। तो उसने कहा कि वह अपनी तलवार घर भुल गया सी। जब सौदागर दी पत्नी दरवाजा खोलन लगी तद राजे ने कहा, मैनू किते छुपा दे, नहीं तो मेरी बड़ी बदनामी होवेगी। सौदागर दी पत्नी ने उसनू सीरे वाले टोए विच छुपन लई कहा। जदों राजा सीरे वाले टोए विच छुपया तो सीरा उसदे शरीर नू चिंबड़ गया ते वह घबरा के बाहर आ गया। सौदागर दी पत्नी ने फिर उसनू खंभा वाले टोए विच धक्क दिता, नाल ही उसने दरवाजा खोल दिता। सौदागर दी पत्नी ने दस्या, हुण तुहानू बाहर जाण दी लोड़ नहीं, मैं कुछ फड़ लिया है। दोहां ने खंभा वाले टोए विचों राजे नू बाहर कढ़िया। राजे दे सारे शरीर ते खंभ चंबड़ गए सन। उसनू पछानना औखा सी। सौदागर ने भी उसनू ना पछानिया। राजा डर दे मारे कुछ ना बोलिया। सौदागर दी पत्नी ने राजे दे गल विच रस्सा पा के कहा कि इसनू वजीर दे हवाले कर आओ। सौदागर राजे नू वजीर कोल लै गया ते कहा, इह अपना कुछ लै लो, हुण तुहाडी जिम्मेवारी है। जदों सौदागर घर आ गया तां राजा उच्ची उच्ची रोण लग पिया। वजीर ने राजे नू पछाण लिया। दोहां ने सौदागर दी पत्नी तों तौबा कीती। दूजे दिन सवेरे दरबार विच सौदागर ने जा के राजे नू दस्या।
उसने कुछ वजीर नू सौंप दिता है। राजे ने कहा कि उसनू ओ कुछ वेख लिया है। उसने सौदागर नू बहुत सारा धन दिता। तद सौदागर ने राजे नू कहा, महाराज कदी साढ़े घर चरण पाओ। राजे की थां वजीर ने उत्तर दिता, राजा साहब किसी के घर जान घर ना जान की कसम खाधी है वही है। असल विच उसनू डर सी लग गया उसकी पत्नी तो, इस करके वह उसके घर नहीं सी जाना चाहता। प्यारे विद्यार्थियों, इस दे नाल नाल ही यह साडी कहानी खत्म हो जाती है। तो इस कहानी दे दिते हुए प्रश्नों नू तुसी अपनियां कापियां ते करना है, अपनी टैक्सटबुक विचों इन्हां प्रश्नों नू देखना है। धन्यवाद।